रेट करा गया जो अब करा है, या अगर हुड्डा को कोई पोजीशन देनी थी तो आज से अगर 8-10 साल पहले दी जाती तो कुछ बात थी। समय निकल गया, लोग ज्यादा समय तक किसी का इंतजार नहीं करते, लोग चल पड़ते हैं। आज बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी बहुत बड़ी बन गई। देखिए, रीजनल पार्टीज खत्म होती जा रही हैं। मायावती जैसी इतना बड़ा ग्रुप था कहीं भी नहीं रहा। हरियाणा में INED, पंजाब में अकाली दल ने 50-25 साल रूल करा था। ज्योति बसु के बाद सबसे लंबे समय तक बादल साहब चीफ मिनिस्टर रहे और बादल साहब सारा परिवार चुनाव हार गया, पार्टी खत्म हो गई, 2 MLA बन के आए हैं, तो रीजनल पार्टी भी गई। लोग अब नेशनल स्ट्रीम में, देखिए फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी में कोलिशन गवर्नमेंट चली 20-20 साल, उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट आ गई। हम उस प्रोसेस से निकल के चले गए। 84 के बाद, पिछले 22 साल के बाद, मतलब 16-14-30 साल के बाद लोगों ने मोदी साहब को फ्री हैंड देके सिंगल पार्टी को गवर्नमेंट दी। उससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट बनी, चाहे अडवाणी जी बने, चाहे मोरारजी देसाई बने, चाहे उसके बाद आप जो चरण सिंह बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे गुजराल बने, चाहे VP सिंह बने, चाहे चंद्रशेखर बने, चाहे नरसिम्हा राव बने, सब कोलिशन गवर्नमेंट थी। हम उस दौर से निकल गए। लोग जब ये देखते हैं कि जब 40 पार्टी का गठबंधन आता है तो देश 20 साल पीछे चला जाता है, लोग नहीं चाहते, लोग देश का वो सोचते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन में बीजेपी से बढ़िया इस वक्त कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती। और लोगों ने अब आगे, मैं मानता हूं 20-30 साल ये चले कि कांग्रेस ने अपने आप को अपने आप ही खत्म कर दिया। कांग्रेस का उस दिन नुकसान हुआ जिस दिन ऑफिशियल कैंडिडेट संजीवा रेड्डी थे कांग्रेस के, और उनके सामने आपके इंदिरा जी ने VV गिरी को सामने कैंडिडेट, अपना पर्सनल कैंडिडेट खड़ा करके पूरी कांग्रेस को हरा दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले को जीरो कर दिया। उस दिन से कांग्रेस इंदिरा गांधी की झोली में आ गई। फिर जिसको चाहते थे एक फैमिली की पार्टी बन गई, बहुत बड़े बड़े आदमी, चौधरी चरण सिंह, SK पाटिल, अतुल्या घोष, शरद पवार, ब्रह्मानंद रेड्डी, DP मिश्रा, जो चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, जो बंसीलाल, जो भजनलाल, कुंभाराम मारिये, जो बड़े आदमी थे सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के, नटवर सिंह जी, सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। और कांग्रेस जो थी वो जीरो लोगों की पार्टी बन गई। मतलब नटवर सिंह जी ने किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कांग्रेस ट्रीट द चीफ मिनिस्टर एंड मेंबर पार्लियामेंट एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। और जब वो जाते हैं 10 जनपद पे तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। और कांग्रेस अब सब ऐसे लोगों की बन गई जैसे अब हरियाणा में बना है, उदयवान को कोई नहीं जानता, उनके अपने हल्के से बाहर कोई नहीं जानता, उनके साथ 4 और जीरो बना दिए जो वर्किंग प्रेसिडेंट। देखिए, नेशनल पार्टी में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं, एक छोटी स्टेट में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट की क्या जरूरत थी, मैं कैसे समझता हूँ। और वो 4 पार्टी ऐसे बना दिए जिनको अपने गांव में नहीं जानते, गुप्ता जी को कोई उनके शहर में नहीं जानता। उसके बाद एक 2 और बनाए हैं, वो भी एक किरण का नॉमिनी कर दिया, एक आपका उसका शैलजा का नॉमिनी कर दिया और वो ये कर दिया। अल्टीमेटली फिर उन्होंने हुडा साहब को घेरने का काम कर दिया कि जब टिकट बटेंगे तो 10 टिकट उन्हें देंगे, 10 टिकट अगर मजबूत आदमी बनाना था तो उसको रघुवीर सिंह कादयान को बनाते, अगर मनाना था तो करण दलाल को बनाते, जिन लोगों की फॉलोइंग है जो 50-50 हजार की भीड़ कर देते हैं। इन्होंने ऐसे नॉमिनी कर दिए जिनका अपना कुछ है नहीं, जिन्हें अपने गांव में कोई नहीं जानता, बराबर वाले गांव में नहीं जानता। तो क्या लगता है कि हरियाणा में क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी को फायदा ही होगा ये अगर इस तरह से? मुझे लग रहा है कि अगले चुनाव से पहले कांग्रेस में ये लोग आपस में लड़के फिर टूट के निकल जाएंगे। जैसे तमर बना उसका कोई विरोध नहीं है, एक हरिजन नहीं था, शैलजा को इतने साल खींचा उसके साथ कुछ नहीं था, वो बन के ही होगी राज्यसभा की अपनी मेंबर लेगी। तो कांग्रेस आनंद शर्मा जैसे आदमी को लेते हैं, ऐसे आदमी को जिनका अपना कोई बेच ही नहीं है उनको उठा रहे हैं, उनसे कांग्रेस खत्म हो रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में कुछ कर पाएगी ये नई टीम या बिल्कुल आगे से भी ज्यादा पतन हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, सारे बस घूमते रहेंगे, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं कोई सुनेगा नहीं, कहीं मैं नहीं समझता कहीं भीड़ होगी,
हुडा साहब कहीं मीटिंग कर ले, उनका एक अपना इंडिविजुअल असर है, पर वो भी अब लोगों को भरोसा नहीं रहा कि आगे सरकार बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने ही कमजोर कर दिया। हमने कमजोर नहीं करे, कांग्रेस ने उन्हें लटका लटका के लटका लटका के ऐसे भजनलाल जी को खत्म करा, ऐसे चौबंसीलाल को करा, ऐसे ही इन्हें खत्म कर दिया। कोई ये भरोसा नहीं। जब टिकट बटने आएंगे तो फिर कलम राहुल गांधी के हाथ में होगी, वो सब टिकट काट देंगे, हुड्डा साहब को टिकट ही नहीं देंगे, उनके लोगों को टिकट ही नहीं देंगे, हुड्डा साहब क्या करेगा। तो क्या लगता है कांग्रेस अब पतन की तरफ है? हरियाणा बचा था थोड़ा बहुत, पंजाब में जिस तरह से इन्होंने किया, कैप्टन को हटा के सिद्धू को लाए, जीरो हो गए वहां भी, मतलब बहुत। हम सुनते थे कि जिस दिन प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की डोर दे देंगे, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। अब प्रियंका गांधी को इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 425 में दो सीटें आई। अब तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस से बड़े प्रशांत किशोर हो रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं प्रशांत किशोर कोई तजर्बा कर दे तो कांग्रेस खड़ी हो जाए। अब वो जब जो पार्टी प्रशांत किशोर से उम्मीद रखे कि ये हमें पार्टी को खड़ा कर देंगे, वो मोदी साहब की एक हवा थी। हम अन्ना हजारे का आंदोलन था, मोदी लोगों में एक वैक्यूम आ गया था देश में, बाप बेटी की सरकार से लोग नाराज थे, मोदी साहब ने सीधा नाराज दिया, मैं चौकीदार बनकर खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रखवाली करूंगा, ये माँ बेटी की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा। तीन बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, लोगों में उनकी गुडविल थी, क्रेडिबिलिटी, लोगों ने उन्हें